की खिदमत गोया खुदा की खिदमत होती है, मानव सेवा से बढ़कर के कोई सेवा नहीं है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस और गणतंत्र दिवस के संध्या पर गरीबों में कंबल वितरण। उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर अली अहमद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित शम्स मॉडल स्कूल मुरकी खुर्द के प्रांगण में छात्रों और लोगों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आज बच्चों एवं गांव की महिलाओं एवं बुजुर्गों को अपने मत के अधिकार एवं संविधान के बारे में बताया गया। प्रधानाचार्य शम्स मॉडल स्कूल राजदा खातून ने उपस्थित लोगों को बताया कि लोकतंत्र में अपने मत का अधिकार स्वतंत्र रूप से करना सभी नागरिकों का पहला कर्तव्य होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र उस वक्त तक मजबूत नहीं होगा जब तक सभी लोग अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे। ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि हमारे मत से क्या होगा। 74वां गणतंत्र दिवस उस समय और मजबूत होगा जब भारत के सभी नागरिक अपने मत का प्रयोग के लिए संकल्प लें। इस अवसर पर क्षेत्र के गरीब महिलाओं को ठंड से बचने के लिए कंबल भी वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से संजू पासवान, विनोद कुमार, महिमा प्रजापति, सारा जावेद, अदनान रजा मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस सभा की अध्यक्षता कन्हैया अग्रवाल और संचालन नाजिम रजा ने किया। G72 न्यूज़ के लिए अतुल यादव जनपद गाजीपुर से। हल्के खुदा की खिदमत गोया खुदा की खिदमत होती है, मानव सेवा से बढ़कर के कोई सेवा नहीं है। पैसा लोग बहुत कमाते हैं, बिल्डिंग बनाएंगे, कारखाना बनाएंगे, लेकिन सब कुछ एक दिन छोड़ करके यहाँ से चला जाना है। अकबर जैसा बादशाह जिसके यहाँ दौलत की कमी नहीं थी, शहंशाह था, लेकिन उसको भी दुनिया से छोड़ करके जाना पड़ा। हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, सबको आगे पीछे जाना है। लेकिन याद उन्हीं को किया जाता है जो समाज के लिए कुछ करके जाते हैं। सब कुछ ही हो जाएगा, सिर्फ आपका नाम क्या हुआ ये नहीं है, किस धर्म का है। सिर्फ लोग के बारे में लोग क्या करते हैं, स्वर्ग यही है, नर्क भी है, जन्नत भी है, जहन्नम भी है। ये तो आपके कर्म का फल इसी दुनिया में मिलेगा। कल क्या होगा, मरने के बाद कब्र में क्या होगा, मेरे साथ किसी ने देखा नहीं है, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखी हूँ कि जिन्होंने अपने माँ बाप का सम्मान नहीं किया, बड़े बुजुर्ग का अदब नहीं किया, उसका फल उसको मिला है और मिलता रहेगा। ये बात बिल्कुल सही है। मैं बच्चे भी ध्यान दें कि आप अपने बुजुर्गों का खास करके ध्यान देंगे तो आप जो है यकीनन तरक्की करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री सबसे पहले अपनी माँ से आशीर्वाद दिए थे प्रधानमंत्री बनने के बाद। ये अलग सी बात है कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनों को सम्मान दिया है। मैं उनका भी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के रोज जो किताब देश में लागू हो संविधान, इससे पहले 26 जनवरी से पहले 1950 से पहले देश का कानून और था, अंग्रेजों का कानून था, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद डॉक्टर अंबेडकर संविधान पीठ के अध्यक्ष उनके नेतृत्व जो किताब छपी है। अगर किसी महिला पे जुल्म हो रहा है, किसी बच्चे पे जुल्म हो रहा है, किसी व्यक्ति पे कोई भी बात हो रही है,
तो उस किताब के अंदर मौजूद है और उसी से रक्षा हमारी होती है। तो उसी अवसर पे आज संत पावन स्कूल के द्वारा कुछ हमारे लोगों को हम सहायता करने में इन्हें सोचा गया था और उसी का रूप आज दिया गया है। जरूरी बात है कि हमें इस बात को जानना चाहिए कि देश 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस जो मनाया रहा है वो चौहत्तरवां दिवस, 74 वर्ष हो चुके हमारे देश को अपनी किताब के मुताबिक चलने और फिरने का वो हक नहीं मिला है, उस मुताबिक राज नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आज हम लोग परेशान हैं। इसी बात को हम याद कराने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि हम छोटे लोगों के जरिए हम छोटी औकात के मुताबिक और जब तक हर गांव के अंदर हर लोग अपना खर्च कर करके कुछ लोगों जो गरीब है, इसलिए इस्लाम कहता है कि जो भी रुपया आप कमाते हो 100 रुपया अगर आपने कमाया तो 250 रुपया उसमें से निकाल दीजिए, वरना आपका तमाम रुपया बाकी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हर आदमी को, हर व्यक्ति अगर 100 रुपया कमाता है तो 250 रुपया अगर निकाल देगा तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हर गरीब भी हो जाएगा। लेकिन इस देश में ऐसा नहीं होता, उसका कारण है, इसकी वजह से हम पूरा देश के लोग परेशान हैं। अमीरों से किताब के मुताबिक लोगों की मंशा है, लोग चाहते हैं कि वो किताब खत्म हो जाए, उस किताब से भारत की राजपाट न चले, बल्कि एक किताब उनके पास है मनुस्मृति, उस किताब को लाना चाहते हैं। लेकिन हम देश के लोगों ने फैसला किया है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि हम किताब उसी संविधान के मुताबिक हम अपनी राज को चलेंगे और हम अपनी बातों को रखेंगे। इत्तेदान हमारा होना चाहिए। औपचारिक तौर पर देश की आजादी हुई थी, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू किया गया था। अब मैं चाहता हूं कि 2 मिनट हमारे स्कूल की प्रिंसिपल साहबा आकर के जो बोलना है बताएं। और एक बात और बताना चाहता मैं हूं, मैं आप जो लोग आए यहां पे हैं, मुझे ये कोई सोचता हो तो वकील साहब को चुनाव लड़ना है, कतई सोच लीजिए कि हमें चुनाव लड़ना नहीं, हम लोगों को है, हम लोगों को सिर्फ काम करना है, हमें आपके बच्चों को शिक्षा देनी है, और शिक्षा में कहीं आपको परेशानी होती है तो आकर के मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। हम लोग इतने लोग गवाह हैं कि हम लोग आपकी मौजूदगी बताना चाहते हैं, हमें चुनाव लड़ना हम लोगों को नहीं है, हम लोगों को सिर्फ आपके बच्चों को शिक्षा देना है, और हम चाहते हैं कि हमारे गांव का कोई ऐसा बच्चा न छूटे जो शिक्षा से वंचित हो जाए।